गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लालीज किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है उत्तर कर्नाटका की रेसिपी, जो बहुत ही फेमस है, जिसे मॉर्निंग में कंज्यूम किया जाता है और या तो जैसे कि इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी हम खा सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड उसली, जिसे चना की दाल से बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये उत्तर कर्नाटका की डिश उसली कैसे बनती है। गाइस जैसे मैंने कहा था कि ये चना की दाल से बनती है, तो जैसे कि मैंने ये चना है ओवरनाइट सोक किया है और इस तरह से ये दिखती है। इसके अलावा इस उसली में हमको जो सामग्री चाहिए वो है प्याज और हरी मिर्ची, जिसे मैंने चॉप कर ली है। उसके अलावा करी पत्ता है और ये है लहसुन की कलियां, जिसे मैंने मैश कर दिया है, मतलब कि मैंने उसे क्रश किया है। उसके अलावा टमाटर है और हल्दी है और नमक। और दोस्तों आप तेल, जैसे कि आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं या तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हे गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी प्याज, करी पत्ता, लहसुन और जो ग्रीन चिली को मैंने फ्राई कर दिया। सबसे पहले मैंने ऑयल लेके लहसुन और प्याज को फ्राई किया। जैसे ही अनियंस मतलब गोल्डन ब्राउन हो गए, उसके बाद में मैंने ग्रीन चिली और करी पत्ता डाल दिया। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टमाटो, जो मैं ऐड करने वाली हूँ अभी। और जैसे ही टमाटो ऐड हो जाता है, थोड़ा सा आप इसे अच्छे से सॉटे कर लीजिए। सॉटे करने के बाद जैसे कि मैंने कहा था हल्दी और नमक, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। जैसे ही आप हल्दी और नमक को अच्छे से इस मसाले में मिला लें, उसके बाद में मैं ऐड करूंगी चना और इसे अच्छे से सॉटे कर लूँगी। गाइस ये सॉटे करने के बाद में आपको इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। इस गैस को सिम पे रख के ही आपको इसे पकाना है। तो अच्छे से मैंने इसे सॉटे कर लिया है। तो चलिए अभी मैं कुकर की लिड को क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद में ऑलमोस्ट आपको इसे 15-20 मिनट तक सिम पे ही पकाना है। 20 मिनट्स हो गए, आप देखते हैं कि ये उसली कैसे बनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक गई है और अभी मैं इसमें जो धनिया पत्ती है वो मैं स्प्रिंकल करने वाली हूँ और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से पक गई है। तो बिना पानी के ही आपको इसे पकाना है गाइस। तो अभी मैं इसे बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी।